हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने गर्मी की छुट्टियों को, अपने फुर्सत के पल को व्यर्थ में नहीं गंवा रहे होंगे। घर में बैठ के कुछ सार्थक कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि आप सब समझदार हैं और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि समय सभी को एक समान मिलता है। कोई इसमें इसको सोना बना लेता है और कोई इसको सोने में गंवा देता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे इतने बेवकूफ होंगे जो अपना समय सोने में गंवा देंगे। आप सब समझदार हैं और जितने भी बच्चों ने अभी जल्द ही अपनी 8th के क्लास को पार किया है, इस वर्ष तो एग्जाम भी नहीं हो पाया, लेकिन तभी आपको 8th उत्तीर्ण ही माना जाएगा। जितने बच्चों ने पास किया है वह 9th में पहुंच चुके हैं और 9th को प्री बोर्ड भी कहा जा सकता है। 9th का क्लास है, अभी तक कक्षा 8 तक में आपकी पहचान आपके विद्यालय तक थी, आपके क्षेत्र तक थी। बोर्ड परीक्षा के माध्यम से आप पूरे राज्य में या हम कहें संपूर्ण देश में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आप अधिक से अधिक नंबर ला करके अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं, या अगर आप जो है टॉप ना भी करें तो आपके पास कम से कम इतनी जानकारी हो, इतना नॉलेज हो कि आप भविष्य में किसी भी कंपटीशन को आप पार कर सकें, या आप अपने ज्ञान को किसी और को दे करके आप एक जो ज्ञान देना ही सबसे बड़ा तपस्या कहा गया है, तो आप वो हासिल कर सकें। ठीक है, कल हम सब पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का अपना पहला चैप्टर हम सबने शुभारंभ किया है, और पहले चैप्टर में 9th में जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया था। संख्या पद्धति आपको संख्याओं से, विभिन्न प्रकार की संख्याओं से आपका परिचय करवाता है। जैसे आपने जो सबसे सरल संख्याएं हैं आप गिनना शुरू कर देते हैं, संख्याओं के बारे में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आप गिनना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार की संख्याएं अनंत हैं। ये जो नंबर्स हैं एक से शुरू होकर के और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार की जो संख्याएं 1000 2000 लाख 10 लाख तक पहुंचती हैं, अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, और 0 की खोज हमारे देश में हुई 5वीं शताब्दी में। आर्यभट्ट जी ने इसका खोज किया ऐसा कहा जाता है, उनसे पहले ब्रह्मगुप्त जी ने इसका इस्तेमाल किया। आर्यभट्ट जी के ग्रंथ आर्यभट्टीय में इसके इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है, और ब्रह्मलिपि में भी 238 239 ईस्वी से ही इसकी शुरुआत हुई है लगभग में माना जाता है। देखिए, खोज और आविष्कार में अंतर आप जान लीजिए, क्योंकि ये आप मान सकते हैं कि 0 का आविष्कार नहीं हुआ है, इसका खोज हुआ है। नए तकनीकों से, नए नियमों के माध्यम से नई चीजों को बनाना, ये आविष्कार कहलाता है। लेकिन जो पहले से मौजूद है और जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, ना कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण हमारे पृथ्वी तल पर पहले से ही मौजूद था, बस लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये खोज और आविष्कार में अंतर होता है। आर्यभट्ट जी ने 0 का खोज किया, ये श्रेय उन्हीं को जाता है। 5वीं शताब्दी में अगर हम अपने प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 से शुरू कर अगर हम जो है इन संख्याओं को लिखते चले जाते हैं, तो ये होता है अनंत की जो संख्या है, ये संपूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, इसमें सारी संख्या, इसको
डब्लू से नोट किया जाता है। पूर्ण संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर, और इसको डब्लू से नोट किया जाता है। इसके बाद हम सब कहते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम सबको मिलते हैं पूरा। जिनको अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है, पूरा भी आपकी एक प्रकार से संख्याएं होती हैं। जैसे हमें कहना हुआ कि हमारे जेब में पांच रुपए हैं, हमने कह दिया पांच। हमें ये डिनोट करना हो, अगर हमें ये दर्शाना हो कि हमारे जेब में पांच रुपए हैं, तो हम इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, प्लस पांच। हमारे जेब में ये पांच बैलेंस है, जेब में हमारे बैलेंस है। और अगर हम ये दर्शाना चाहें कि कोई व्यक्ति किसी का पांच रुपया उधार है, उसके जेब में पैसे तो नहीं है, एक भी पैसे नहीं है, और वह किसी का उधार है, तो वो हो जाएगा माइनस पांच। उसके पास कितना है? माइनस पांच है। उसके जेब में अगर पांच रुपया है तब तो वो प्लस पांच की श्रेणी में आएगा, और उसकी जेब में कुछ नहीं है तब तो वह जीरो की श्रेणी में आएगा, जीरो है उसके पास में। और अगर वह किसी का पांच रुपया बाकी है तो वो माइनस पांच कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का है जिसमें जो है ये सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, और ये दो प्रकार से होती हैं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसका उदाहरण मैं आपको इसके ठीक सामने लिख देता हूं, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पांच, या आप सब जानते हैं जिन संख्याओं के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता, जैसे हमने यहाँ बगल में छह लिख दिया, इसमें इसके आगे अगर प्लस का चिन्ह जो है कोई चिन्ह नहीं लगा है तो उसको प्लस का ही माना जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक यही पूर्णांक जो आपको निगेटिविटी दिखाए, माइनस में दिखाए, किसी का कर्ज दिखाए या नीचे की ओर दिखाए, तो ये ऐसा एक गर्मी होता है, ठंडी होता है, गर्मी को प्लस में और जो ठंडी होता है वो माइनस में टेम्परेचर होता है, अगर ना तो गर्म ना तो ठंड तो वो जीरो होता है, ये बात होती है। एक ऋणात्मक पूर्णांक इस प्रकार से होता है माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, इस प्रकार ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है, या जर्मन भाषा के शब्द जेहलिन से लिया गया है, और इस बार आपके बुक में भी इस बात को बताया गया है, या जेहलिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जेहलिन शब्द से उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है गिनना, जिसका अर्थ होता है गिनना। जहल में संख्या होता, पूर्णांक को जेड से दर्शाते हैं। तो सीखा, कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिए, आप अपने वीडियो को पॉज करके आप उस चीज को जो जितनी भी चीजें बोर्ड पर लिखी जा रही हैं या जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको आप नोट किया करें। और मौसम चेंज हो रहा है तो आप पानी अधिक से अधिक पिएं, पानी पिएंगे आपके दिमाग का बैलेंस ठीक रहेगा, और आप उबेंगे नहीं पढ़ाई से, आपको कितनी भी देर बैठ के पढ़ना रहे, अगर
अगर आप पानी की मात्रा आपके शरीर में है, पानी आप लगातार पी रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर पर, तो आप पढ़ाई जो है पूरे दिन बैठ के कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं उबेंगे। तो इस प्रकार से अब तक में आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं को जाना, पूर्ण संख्याओं को जाना, पूर्णांक को जाना आपने, पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों पूर्णांक को आपने जाना। और अब आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं जिनको अंग्रेजी में डेसिमल नंबर कहा जाता है, डेसिमल नंबर्स, और इनको क्यू से व्यक्त किया जाता है। ये क्यू शब्द क्वोटिएंट से लिया गया है। इनका संकेत क्यू होता है। परिमेय संख्याएं की अपान क्यू इस प्रकार के रूप में होती हैं। ये इनका रूप होता है, ये इनका फॉर्म होता है, जिसमें से ऊपर का जो पी है वह इज न्यूमेरेटर, पी अंश है एंड क्यू इज डिनोमिनेटर, क्यू हर नीचे वाले को हर कहते हैं। क्यू वेल नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज का डिनोमिनेटर, किसी भी परिमेय संख्या का अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो उसका मान अनंत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अपान क्यू आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना है। इसमें हम भाग नहीं कर सकते हैं, सपोज दैट हमारा कोई परिमेय संख्या इस तरीके से लिखा है 25/50 25/50 इस प्रकार से कोई संख्या लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं कि एक ही संख्या से दोनों को काटा जा सकता है, दोनों को भाग किया जा सकता है, तो हम उसको आराम से भाग कर सकते हैं। यानी कि 25 से 25 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा, तो 25 से 25 और 50 से दोनों को डिवाइड कर करके हम 1/2 प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता है तो हम भिन्न को छोटे से छोटा करके लिखें तो वो हमारा ज्यादा सार्थक, ज्यादा सही भिन्न होता है, छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना। तो इस प्रकार से एक ही संख्या से, संख्या एक ही होनी चाहिए। जैसे हमने अगर 25 लिया है तो 25 से अगर हम ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी करना होगा, तो हमें ऐसी ही संख्या लेनी होगी जिससे दोनों डिवाइड हो जाए तो हम कर सकते हैं। या हमें आवश्यकता है किसी परिस्थिति में कोई हमारा डेसिमल नंबर इस प्रकार से लिखा है 3/6 और हम चाहते हैं कि इसका न्यूमेरेटर यानी कि इसका अंश 12 बन जाए, इसका अंश 12 बन जाए, तो हमें क्या करना होगा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से अगर हम ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो नीचे वाले में भी करना पड़ेगा। यानी कि हम ये हमारा जो डेसिमल नंबर है ये अगर हमें 3 को 12 बनाना है तो इसका डिनोमिनेटर जो चेंज होगा ये भी 24 हो जाएगा, तो ये बीच में हम बराबर लगा सकते हैं। इस प्रकार एक ही संख्या से ऊपर नीचे वाले को भाग और एक ही संख्या से ऊपर वाले को नीचे वाले में हम गुणा भी कर सकते हैं, हमें जहां आवश्यकता हो जिस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन में देखें। ये डेसिमल नंबर का फॉर्म होता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि डेसिमल की भी उत्पत्ति डेसिमल नंबर से ही हुई है। डेसिमल की उत्पत्ति किस प्रकार से, जैसे कोई हमारा डेसिमल नंबर लिखा है 3/5, ये हमारा एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 3/5, हम जो है नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना होता है, ये इसी चीज को व्यक्त कर रहा है। तो इनका अर्थ ये होता है कि ये डिवाइडर है और ऊपर वाला डिवाइडर है। 5 से अगर हम 3 को भाग दे दें, 5 से 3 को भाग देने का ये जो पुराना तरीका है हम सबका, पहले डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल के समान में आगे 0 बढ़ा दिया जाता है, डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5/30 इस प्रकार से। तो 3/5 को जो हमने नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड किया तो हमें मिल गया 0.6। ये हमें दशमलव की संख्याएं इस प्रकार से प्राप्त होती है।
ये आपने प्रमेय संख्याओं के बारे में जाना। प्रमेय संख्याओं के हमने आपको गुणधर्म भी बताया कि इसमें एक ही संख्या से इसके अंश को और हर को हम भाग दे सकते हैं हमें आवश्यकता है तो, और एक ही संख्या से हम इसमें इसके अंश में और हर में गुणा भी कर सकते हैं। इससे हमारे ऋण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू 1/2 कर दी। ये कहने का मतलब ये हुआ कि 25 चीजों में 50 भाग करने हैं, 25 चीजों में 50 भाग यानी कि सबका आधार है, या फिर एक में दो भाग कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। संख्या पद्धति में अब आगे आप